प्रिय, हाँ मैं समझती हूँ कि आप अपने पहले कार्यस्थल में काफ़ी असुविधा का अनुभव कर रहे हैं, खासकर इसीलिए कि आपको यह आभास है कि अभी आपका जीवन रुकावटों और विकर्षणों का एक अनंत क्रम प्रदान कर रहा है। कृपया याद रखें, आपको लगातार रास्ते से घसीटा जाएगा या आग बुझाने के लिए कहा जाएगा जिसे किसी और ने शुरू किया है। लोग आपके समय का सम्मान नहीं करेंगे और आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर समय बिना किसी द्वेष के उनके दिल में, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हर किसी के जीवन में विभिन्न प्राथमिकताएं होती हैं। यदि दिन की घटनाएं आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं या यदि वे आपकी दिनचर्या को बाधित करती हैं, तो आपके मन के प्रेम का टूटना आसान है। यह संभव है कि आप में अपराध बोध की भावनाएं होंगी, क्योंकि आपने जो करने की योजना बनाई थी उसका पालन नहीं किया। हालांकि आपको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं। सबका ध्यान भटक जाता है। कई मायनों में मूलभूत विभाजन उन व्यक्तियों के बीच है जो जल्दी से ट्रैक पर वापस आने में सक्षम है, और वे व्यक्ति जो व्यवधानों को निष्क्रियता की विस्तारित अवधि से बढ़ने की अनुमति देते हैं। आपको अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक तेजी से ट्रैक पर वापस आने की आवश्यकता है। यह वह क्षमता है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। आप बाधित होने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास विकल्प है कि आप जो कहते हैं उसे संक्षिप्त रखें। आप मेरे अमर स्नेह के प्राप्तकर्ता हैं। आपका